अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक नया शोबा है जो मेरी नज़र में पहली दफ़ा गुजरा है। अंसारुल्लाह के जो इज्तिमा के मौके पे अंसार बैठक या अंसार तरफ के नाम से, अब इसकी क्या गरज है, क्या मकसद है, ये भी पूछते हैं। ज़रा आगे चलो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह का बोर्ड देखा है जो अंसार तरफ, तो इसमें मैंने अभी जो मुतलका दोस्त हैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें बड़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं, ये देखें, उनके लिए बैठने के लिए यहाँ जगह बनाई गई है। आज इसके अंदर उन्होंने जो अंसार हैं 55 साल के सफ़े अव्वल के, उनके लिए जो कोरोना हालात में मसाजिद में जाना मना था और फिर दोबारा उनको मोटिवेशन के लिए कि वो दोबारा जा सकते हैं, फिर उनका डॉक्टर्स के साथ यहाँ जो एक स्पेशल मीटिंग प्रोग्राम है वो जो सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से, कल फिर इसी तरह जो सफ़े दोम के खुदा अंसार हैं उनके लिए प्रोग्राम है, और फिर अमीर साहब के साथ जो दूसरे अंसार हैं जो गैर ममालिक यानी पाकिस्तानी नहीं है उनकी मीटिंग होगी, और इसी तरह खुदा अलहमदिया वाले अपना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तरह तरह के प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ इंशाल्लाह होंगे जी। इस वक्त हम इज्तमा में जो बाहर झंडों वाली जगह है जहाँ जो पहली तकरीब हुई थी रूनमाई और फिर जो हमारा तराना, वहाँ खड़े हैं हमारे साथ एक दोस्त हैं नासिर साहब। नासिर साहब का तारुफ मैं इस तरह करवाऊँगा कि मैंने इनको स्विट्ज़रलैंड में जब था तो 5-6 साल वहाँ बहुत मुस्तैद जमाती कामों में पेश पाया। आज भी ये अंसारुल्लाह इज्तमा में यहाँ वो जो ग्रुप आया हुआ है अंसारुल्लाह स्विट्ज़रलैंड के सदर साहब और वो उनके साथ आए हैं, जैसे थोड़ा पूछते हैं, थोड़ा वो तारफ भी करवाएंगे और अपने स्विट्ज़रलैंड जमा। नासिर साहब आप थोड़ा बताएं कौन से सन में आप आए थे अपना स्विट्ज़रलैंड? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं अलगफल से 1990 में 1990 में बिल्कुल सेम ईयर में बिल्कुल ठीक है। अब रवा में मरूफ शख्सियत रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग आपको वहाँ भी जानते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड की जमात आजकल अंसारुल्लाह कितनी तादाद है आपके? अलग फजल से इस वक्त 150 कह सकते हैं। अच्छा, 150-160 ठीक है, 150-160 तादाद है, और क्योंकि छोटा सा मुल्क है आपके एक सूबे के बराबर भी पास नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से डेवलप हो चुका है काफ़ी। और ये जो आज उन्होंने बताया सदर साहब ने कि हजूर के साथ मुलाकात में उन्होंने हजूर ने टारगेट दिया है कि आपने आधी आबादी तक जो है वो जो है तबलीग का वो जो पैगाम है इस्लाम का वो पहुँचाना है, तो उसमें आपका वो शुरू हो चुका है अपनी प्लानिंग वगैरह के आपने कैसे करनी? बिल्कुल, मीटिंग भी हुई हैं, प्लानिंग भी हुई है हजूर तक, उसकी प्लानिंग की सारी रिपोर्ट भी जा चुकी है। अच्छा, पहले हजूर ने 10% और उसके बाद 50% यानी कि जो आबादी है उसको पैगाम पहुँचाने का सारी प्लानिंग हो चुकी है, उसके फ्लायर बन चुके हैं जमात के साथ भी तामन होके। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो खास टॉपिक है उन पर वो फ्लायर तकसीम किए जाए। अच्छा माशाल्लाह, मैं आपको मियां साहब ऐसे एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो सेहत मैंने आपकी तब देखी थी ना आज से 20 साल पहले, बिल्कुल आप वैसे के वैसे, फिर इसका राज क्या है? अल्लाह का फजल। अच्छा, और खैर व अमूर औसत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो अल्लाह ने बनाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जमात के लिए अपने आप को पेश करें, बस मेन मैं सुबह उठे, बिल्कुल सही, ये चंद चीज़ें हैं। सुबह उठने में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, मुझे यही कहते हैं लोग जो रब्बा जाता हूँ कहते हैं 30 साल पहले 20 साल पहले कोई चीज़, बिल्कुल वही मैंने भी इसीलिए पूछा, तो इसका मतलब ये आपने कोई फिटनेस सेंटर कोई वर्जिश कोई भाग दौड़ रखी हुई है? अच्छा, वो रखी हुई है, छोटी मोटी वर्जिश होनी जरूरी है, बाकी आपकी रूटीन सुबह से लेकर शाम तक जिस्म को एक्टिव रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसमें ये सारा मतलब ये है, बाकी वो जो एक आता है कि सुबह फजर के वक्त कुरान की तलावत 5 वक्त पर नमाज, वो तो यार मुसलमान जानता ही है, इससे आपको डांप लेते हैं सारे दिन के लिए सारी ज़िंदगी के लिए, बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई इसमें शक नहीं है। देखें आपके पीछे ये दो दोस्त खड़े हैं ये जो ड्यूटी दे रहे हैं, मैं ये बताता चलूँ कि ये जो हमारी एक रवायत कह लें या एक हमारा ये जमात के अंदर जहाँ भी जो स्टेज बनता है ना झंडे लगते हैं पूरे 3 दिन 24 घंटे चले ना कहें, जितनी देर इज्तिमा जारी है ना उस वक्त तक ये दोस्तों ने यहाँ खड़े रहना है, और कोई चूँच रहा नहीं है, कोई इनको किसी किस्म का ड्यूटी है, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से आते हैं और आ खड़े। मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं ना जज्बा, ये वाला जज्बा मैंने नहीं देखा किसी और में, कभी आप देखें स्विट्ज़रलैंड में हो इज्तिमा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, उनके फजल से उनके दिल में ये चीज़ डाल, बिल्कुल सही बात है, ये रूहानी जनात है, बिल्कुल इस्लाम की, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने टाइम दिया, थैंक यू जनाब जी। आज इज्तिमा अंसारुल्लाह का 3रा दिन और इसका ये ख़ास हिस्सा दोस्तों की आपस में जो गपशप है, जो दूर दूर से दोस्त आए होते हैं वो बैठते हैं जब कोई ब्रेक होती है और फिर मिलते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं,
अभी हमारे साथ इधर एक दो दोस्त बैठे हैं, पुराने दोस्त बचपन के या क्लास फेलो, बैठे गपशप लगा रहे थे। मैंने कहा चलें अपना तुसी अपना मिदला साहब थोड़ा सा अपना तारफ करवाएं, फिर बाकी दोस्तों का करवा दें। ये गल सुनो जी, चौधरी मिदला साहब हैं, ये अपना थोड़ा बताते हैं कि इन्होंने कब जर्मनी में आए, पहले तो थोड़ा सा तारफ करवा देना अपना नाम और फिर। उन्नीस सौ नब्बे में जर्मनी आए, क्योंकि हम पाकिस्तान से आपको जानते हैं रब्बा से। आपने जर्मनी तशरीफ लाने के बाद मतलब सब लोगों की तरह स्ट्रगल भी की, मेहनत की, सारा कुछ, लेकिन जो आपको एक क्या कहते हैं ना, एक ऐसा लम्हा आया जिसने आपको वो काया पलटनी या तरक्की की सीढ़ी का पहली सीढ़ी, वो कैसे वो हुआ आगाज? सर मसला ये है कि जब हमने यहाँ पे आए तो मैंने सारी जितनी देर यहाँ पे काम ही किया। अच्छा, तो 15 साल जॉब की। ठीक। मौजूदा हजूर का दौर आया ना। हाँ जी। तो हजूर से मुलाकात हुई, समझ में आया, मेरे बेटे बड़े। अच्छा। समझ में आया कि आप क्या कम कर रहे हैं। हाँ। मेरे से मुलाकात हुई, थोड़ी सी आवाज ऊंची रखे, मेरे साथ मुलाकात हुई, जिसे बच्चे ने मतलब ये नहीं पूछा। अच्छा। जानते थे सब कुछ, तो जरा थोड़ा सा बदनी भारी। अच्छा। अच्छा। सब मान लगे कि आप क्या क्या कौन सी क्या काम कर रहे हैं, बताया कि मैं फलां जॉब करता हूँ। अच्छा। तो आप क्यों इनकी नौकरियां करते हैं? अच्छा अच्छा। आप क्यों नहीं अपना कारोबार करते? अच्छा। सर ये फरमाया, अच्छा उसका वो जब अताउल जी इसका नाम है, उसको भी पता चला। हाँ। मेरे पास आपके रबू मजदूर ने कह दिया है। हाँ। के अपना कारोबार करना, हमने ये काम नहीं करनी नौकरी। अच्छा। वो जो जहाँ काम कर रहा था वो कुंडली में लेके आ गया। और मैं 15 साल का वो काम करता था, चलो अगर मैं छोड़ता मुझे बड़े काफ़ी पैसे में फुल साइड काम कर। अच्छा। जाके उसने मेरे भी उसने लिखे ना, मेरा कुंडली में देखा बेटे ने। ये कौन से सन की बात है, ये आपको कोई यार? 2005। ठीक ठीक हो। 2005 में अच्छा जब फिर हमने जाके वो जगह ढूंढनी शुरू कर दी। अच्छा अच्छा। फ्रंकफोर्ट वहाँ पे एक से बात की, वो सब होते होती रह गई जगह। अच्छा। लखन बाग में एक दो जगह ढूंढी, वो भी रह गई। अच्छा। मैं नासर बाग में आके ना हमने जुमा पड़ा, सर्दी बहुत थी। अच्छा। जुमा जब पड़ा तो बड़ी बर्फबार पड़ी। अच्छा। मैंने वो ना बाहर अच्छा अंदर अंदर बैठ जुमा पढ़ रहे थे, अंदर आइसून था गर्म। अच्छा। आइसून बॉर्डर वाले आइसून लगे। हाँ हाँ हाँ। तो बड़ा सुकून आया। अच्छा अच्छा। मैंने बड़ी दुआ की, मैंने अल्लाह मुझे यहाँ ही कोई जगह दे दे। अच्छा अच्छा। सही। जब मैं बाहर निकला तो एक मेरे दोस्त मिला। अच्छा। मैं कहता यार मिला किधर ये मसला कुछ ढूंढने को, हम अपना कारोबार के लिए कर। अच्छा। तो मेरा दोस्त कहने लगा यार वो फ्रांस भी बेच रहा, उससे बात कर लो। अच्छा। हमने जाके वो बात की, उससे अच्छा 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 1400। अच्छा। बाद में पहले हमने आपको पता कर लिया था। हाँ जी। बैग को छोड़ा ये आपकी बात से जो मुझे एक चीज सबक मिला ये वो ये कि खलीफा वक्त के जो अल्फाज मुंह से निकलते हैं उनके ऊपर मनो अन अमल जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी। ये जो आपने बताई है बात आज तक मैंने नहीं सुनी थी पहले कि हुजूर ने फरमाया कि आप क्यों इनकी नौकरियां करते हैं, तो आप और आपने उसी वक्त नियत बनाई कि ये यकीन माने कि हम पहले जो सारी मैंने काम शुरू से काम ही किया जो भी किया। अच्छा। हाँ जी। पहले एक हफ्ता तक जी 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 मगर
वो उससे तो आपको पता ही कितना जॉब होगा, क्या क्या होता है सब कुछ। बिल्कुल सही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है, सोच नहीं सकता। बिल्कुल, ये आपको देखें, अब आप देखें ना, अब उधर उस जगह पे आपका वो मतलब एक वो शादी हॉल है दावत के ना, फिर आपका स्टोर, वो फिर पीछे भी उसी सड़क पे पीछे आपकी मेरा लागर है, और मतलब ये सारी चीज़ें बहुत, दुनिया बहुत सारी आई है जर्मनी, लेकिन सब के इस तरह के मामला नहीं है। आप मतलब इस तरह जो असल वजह ये आपको पहले याद रखिए जी है, और बड़ी चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सुनी